सर डाउट था एक छोटा सा। हाँ बोलो ना। सर एक स्टेटमेंट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हाँ फाउंड व्हेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैज लिगेंड्स केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। वो ना मुझे लिख के भेजोगे, मैं देखता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन मैंने सुना नहीं है, मतलब अपने हाँ नॉर्मल सर, ओके 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 तरीके का। अब फिर मैं भेज दूँ, मैं देखता हूँ। और मुझे किसने एक क्वेश्चन दूसरा भी भेजा था, वो 15% वाला, कोई न्यूक्लियर का क्वेश्चन भेजा था, पर वो फिजिक्स के रिलेटेड है। तो मैं उसको देख ट्राई कर रहा हूँ, पर मुझे उसका ना इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे होता है मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। हाँ, मुझे कल क्लास से एक क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर का, पर दैट इज नॉट केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज फिजिक्स क्वेश्चन एक्चुअली। फिर भी विल ट्राई टू सॉल्व। ओके। तो हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे ग्रुप? एक मिनट। क्लास के पास वो तो उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सब प्रॉपर्टीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, गो थ्रू कर दो बार, आपको अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आई थिंक यह हमने किया था ना, ऑक्सी एसिड्स के क्वेश्चंस। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 91 में लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुका, एवरीबॉडी रिमेंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्वेश्चन नंबर 91। तो एक बार एफिनिटी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक मिनट हाँ एक मिनट। मैं तो अभी ठीक ठाक आवाज आ रही है अभी मेरी आपको? हेलो एवरीवन। ठीक हेलो, है सर, हाँ ठीक है, आ रही है हाँ सर। ठीक है। हाँ 91 क्वेश्चन देखो, 90 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 91 देखो, क्वेश्चन 91। तो क्लास एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 के लिए ऑर्डर क्या है? ग्रुप 17 के लिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमने लास्ट टाइम देखा था राइट। व्हाट इज रियल ऑर्डर? दिस इज एक्सपेक्टेड। व्हाट इज रियल ऑर्डर? क्लोरीन, फ्लोरेंस फ्लोरीन, फ्लोरेंस आयोडीन। ये ऑब्जोलेट, ये मैंने लास्ट टाइम को एक्सप्लेन किया था। ये सिमिलरली ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम ऑर्डर होना चाहिए था क्लास। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर। व्हाट इज रियल ऑर्डर? एरियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। दिस इज ऑब्जर्व ऑर्डर क्लास। व्हाट इज आंसर? क्या आंसर होना चाहिए बोलो? क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होना चाहिए? हमने किया था लास्ट टाइम। ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी बी राइट, मतलब मोर देन ऑप्शन बी, सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन, बराबर देन सेलेनियम। ओके। क्लास 92, एनीबॉडी? 92 क्वेश्चन, 92। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर? यस, मेटलॉइड, टोटल। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मेटल, नहीं, बिल्कुल नॉन नहीं, मेटल्स, बिल्कुल नहीं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलीमॉर्फिक। अभी इसका मतलब बताओ। चलो, आपने मैंने नहीं नहीं बोला तो आपने बोला पॉलीमॉर्फिक, मीनिंग का पॉलीमॉर्फिक, एनी बड़ी मीनिंग का पॉलीमॉर्फिक। एक सब्सटेंस अलग-अलग ये इसमें रहता है। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। व्हाट इज पॉलीमॉर्फी? मतलब वन सब्सटेंस कैन क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट फॉर्म्स राइट। एक ही सब्सटेंस अगर अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में क्या कर सकता है? पॉलीमराइज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस कैन
क्रिस्टलाइजिंग डिफरेंट फॉर्म, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. ये पेज नंबर क्या अपना 349 राइट. तो क्लास क्वेश्चन नंबर क्या अपना, हाँ क्लास नॉन मेटल्स क्यों नहीं बोलो, बोलो क्लास जल्दी आ जाए, बहुत स्लो चल रहा है अपना क्लास. नॉन मेटल्स क्यों नहीं, तो क्लास ध्यान दो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम. अगर तो नोट्स ठीक से पढ़ोगे, ऑक्सीजन सल्फर इज नॉन मेटल ठीक है, सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मेटलॉइड्स राइट. मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर. पोलोनियम क्या है, क्लास में आवाज आ रहा है? पोलोनियम क्या है बोलो, रेडियो एक्टिव मेटल है. मुझे 2 मिनट दो से बच्चे लोग ठीक है. मतलब 94 अपना हो गया था शायद राइट, 95 भी हो गया था लास्ट टाइम, 96 हो गया था. एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन, आप जो सॉल्व करोगे भी ट्राई करोगे. लगता है ये भी हो गए थे सल्फर. हाँ प्लस ऑक्सीजन सल्फर आपको बताना बाकी था बराबर है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ आपको ऑक्सीजन सल्फर ठीक है. चलो ऑक्सीजन सल्फर हमें ट्राई करते अभी. चलो तो सबसे पहले ऑक्सी एसिड और सल्फर में आपको पहला एसिड जो भाग करना है वो है एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ, जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड. क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस एसिड. आपको इसको भाग करना है. क्या नाम है इस एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड. मेरा आवाज आ रहा है ठीक से अभी सब लोग को? डबल बॉन्ड ओ को रिप्लेस करोगे किससे, डबल बॉन्ड एस से, तो आपका एसिड कुछ ऐसा दिखेगा. डबल बॉन्ड ओ को रिप्लेस किया आपने किससे, डबल बॉन्ड एस से. प्लस एसिड का नाम होता है प्लस सल्फर इज ऑल्सो थायो, तो इसका नाम होता है थायो सल्फ्यूरस एसिड. क्या नाम होगा इसका, थायो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड थायो सल्फ्यूरस एसिड ठीक है. प्लस अभी अब सल्फ्यूरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल लो, एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरस एसिड एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरस एसिड ओके एंड रिमूव बोथ द ओएच, टेक 2 मॉलिक्यूल्स और दोनों ओएच निकाल दो. तो क्लास ऐसे कुछ ऐसा देखेगा. क्लास अगर नहीं समझा तो मुझे बोल दो, मैं वापस ड्रॉ करूंगा. ये समझा या नहीं समझा बोले बोलो, ये करके दिखाओ. yes. क्लास कैसे किया वो बताता आपको एक बार. आपके पास सल्फ्यूरस एसिड है, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए,
अपने दोनों ओएच निकाल दे, बराबर है, ट्राइपा एसिड कुछ ऐसा दिखेगा, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ, राइट, एस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, हाँ, प्लस यहाँ पे कितना सल्फर है, दो, तो प्लस दो सल्फर है, इसलिए इसका नाम है डाई थायोनस एसिड, क्या नाम इसका, डाई थायोनस एसिड, प्लस एक चीज याद रखो, सल्फर को थायो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फर को, थायो, थियो जो बोलना है आपको, तो डाई दो सल्फर है इसलिए इसका नाम याद रखने के लिए चटकड़े डाई थायोनस एसिड, ओके, प्लस वापस अगर आप सल्फर के दो मॉलिक्यूल लेके इपड़े टू मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड इफ रिमूव वाटर, एक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरस एसिड एंड क्या रिमूव करेंगे हम लोग, वाटर, तो प्लस एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड इफ रिमूव द वाटर, तो प्लस ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, प्लस एनीबॉडी इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, पायरोक्स, नहीं इसको पायरो, पायरो, अगर देखो ये होता है पायरो, अभी लैग वगैरह कुछ नहीं हो रहा ना, और ये होता है पेरोक्सी, स्क्रीन में लैग हो रहा है, बोलो जल्दी, हाँ सर, पायरो इधर और धीरे धीरे आ रहे हैं सर, हाँ ठीक है चलेगा, एक पायरो एक पेरोक्सी, तो क्लास इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, क्या नाम इसका, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, तो क्लास सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, सल्फ्यूरस एसिड एस को डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच, याद रखा, अगर आप डबल बॉन्ड एस को ओ को रिप्लेस करते हो किससे, बोलो डबल बॉन्ड, तो इसका नाम सल्फ्यूरस का नाम क्या बन जाएगा, थायो सल्फ्यूरस, बराबर है, फिर अभी इसको भूल जाता है सल्फ्यूरस को, अभी सल्फ्यूरस एसिड के दो मॉलिक्यूल लो और दोनों ओएच निकाल दो, दो मॉलिक्यूल के दो ओएच निकाल दो, तो क्लास दो मॉलिक्यूल में दो सल्फर बाजू बाजू में अटैच होंगे डायरेक्टली, तो इसका नाम क्या होगा, डाई थायोनस एसिड, अब वापस सल्फ्यूरस एसिड के दो मॉलिक्यूल लो और एक वाटर निकाल दो, तो क्लास वाटर निकलेगा तो बीच में ओ आ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ तक ठीक है सब लोग, बोलो जल्दी, मेरा आवाज आ रहा है, यस सर, प्लस अभी बाकी क्या एसिड आपको, ये चार हो गए तो आगे के चार आपको हाइट नहीं करने, वो अपने आप आ जाते हैं, बहुत सिंपल है, अगर आप यहाँ पे सल्फर गैस लोन पेयर पड़ा हुआ है उसको यूज करके एसिड बनाओगे, एस डबल बॉन्ड हो, मैं एसिड वापस लिख रहा हूँ, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर गैस जो लोन पेयर था उसको यूज करके मैं डबल बॉन्ड ओ अगर बना देता हूँ तो इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड से बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस ठीक है, बहुत सिंपल है, हाँ, प्लस मैं थायो सल्फ्यूरस एसिड वापस ड्रॉ करता हूँ, एच ओ एस डबल बॉन्ड एस ओ एच, ये थायो सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फर का लोन पेयर यूज करके यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड ओ लगा देता हूँ, क्लास गेस करो नाम, तो मैं सल्फर का लोन पेयर यूज करके वहां पे डबल बॉन्ड ओ डालता हूँ, इस एसिड का नाम है डायथायोनिक एसिड, राइट, ओके, प्लस बाद में अगर मैं सल्फ्यूरस पायरो सल्फ्यूरस एसिड लेता हूँ, ठीक है, और इसका लोन पेयर यूज करता दोनों का, और इसका नाम बोलो जल्दी जल्दी, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज द ओलियम, ओलियम इक्वेशन आ चुका है, ओलियम बोलते हैं इसको,
H2S2O7, ठीक है, थोड़ा सा याद रख, ठीक है, सबको आ रही है, देखो एक बार कैसे याद रखते हैं, इजी है ना याद रखना या नहीं पहले वो बताओ। आप एक एसिड को बाहर करो, बाहर करो, किसका नाम क्या उसका, सल्फ्यूरस एसिड, बाकी अपने आप आपको आने शुरू हो जाएंगे। देखो ये इस फॉर्मेट में जाओगे तो एक दो मिनट दो खुद को, देखो ये आपको जम रहे कि नहीं जम रहे। सल्फ्यूरस का डबल बॉन्ड रिप्लेस करके एस लगा दिया तो थायोसल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस के दोनों ओएच निकालते तो दो सल्फर बाजू बाजू में आ जाएंगे तो डायथायनस, सल्फ्यूरस का दो मॉलिक्यूल बाजू बाजू रखे अगर वाटर निकालते तो बीच में ओ लिंकेज आएगा तो पायरोसल्फ्यूरस। अगर एक एसिड तो याद रखना है पड़ता ही नहीं, सल्फ्यूरस का लोन पेयर को यूज करके डबल बॉन्ड लगा दो तो हर एक एसिड क्या बन जाता है, सॉरी हर एक अस एसिड क्या बन जाता है, एक एसिड, राइट, एवरी अस एसिड बिकम एक एसिड, गॉट इट एवरीवन, क्लास, यस, यस सर, यस सर, यस सर। बस एक चीज और दो एसिड बाकी है, हम उसकी बात करते हैं सल्फर के। तो क्लास ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक, बराबर है। अगर हम लोग एक ऑक्सीजन डाल देंगे तो एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एंड ओ एच, तो प्लस ऑक्सीजन बीच में आ गया, राइट, ऑक्सीजन डालने से टू है, तो आपका जो ऑक्सीजन अपने जो अभी डाला था वो ऑक्सीजन यहाँ पे, हाँ, प्लस ये कौन सा लिंकेज है बोलो, परॉक्सी, इसका नाम है परॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है इसका, परॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। प्लस आप देखो आपको यहाँ पे ये लिंकेज दिख रहा है कौन सा, डैश हो, डैश हो आगे एच ए पर, उसमें इंटरेस्ट है, कोई ये लिंकेज मिला, राइट, तो ये कौन सा एसिड हो गया, परॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। आप सल्फ्यूरिक एसिड में सीधा ओ डाल दो तो क्या बन जाएगा, आप कहाँ पे ओ डाल सकते हो, आपके दो ही ऑप्शन है, या तो दिस, एक वन मिनट, आइदर ऑन दिस साइड और दिस साइड, प्लस एनी साइड यू एड इज वन एंड द सेम थिंग, तो परॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, हाँ। प्लस दिस एसिड कमर्शियली इज नोन एज, आपको मालूम है, बोलो किसी को, कैरोस एसिड, कैरोस एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कैरोस एसिड, परॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज कैरोस एसिड, ओके। प्लस लास्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का, सॉरी, एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सल्फ्यूरिक एसिड, वन मोर मॉलिक्यूल, एंड रिमूव बोथ द हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, तो सल्फ्यूरिक प्लस सल्फ्यूरिक एंड रिमूव टू हाइड्रोजन, तो माइनस टू एच, तो प्लस आपको मिलेगा एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एस, प्लस का नाम बोलो, यहाँ पे पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिंकेज आ रहा है, तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइ सल्फ्यूरिक एसिड, कमर्शियल नाम है मार्शल एसिड, क्या बोलते हैं इसको, मार्शल एसिड, ठीक है, तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल एसिड, एवरीवन क्लियर विद दैट, तो अगर आपके लिए क्वेश्चन है, आपने जितने एसिड देखे सल्फर के, ऑक्सी एसिड, इसमें कौन सा एसिड कैरेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कौन सा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, जितने एसिड आप देखो सब में कौन सा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है सल्फर का, विच एसिड सल्फर कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ ऑल दिस, आपके टोटल 10 एसिड आपके सामने पड़े हुए हैं, यस क्लास, विच एसिड एक्ट एज अ प्रोड्यूसिंग एजेंट, एक भी नहीं क्लास, क्यों नहीं, क्योंकि एक भी एसिड के पास डायरेक्ट एस डैश एस बॉन्ड नहीं, राइट, एसिड कैन एक्ट एज अ प्रोड्यूसिंग एजेंट विच हैज सेंट्रल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, राइट, तो यहाँ पे एक भी एसिड के पास क्या नहीं है, सेंट्रल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो एक भी एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, एग्री, Now, what is basicity of thiosulfuric acid? What is basicity of thiosulfuric acid?
व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, देख लो थायोसल्फ्यूरिक एसिड यहां पे, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, 2 व्हाई इट हैज डायरेक्टली 2 OH ग्रुप्स, OH अटैच्ड टू O, बराबर है. Plus, which acid of sulfur has directly S-H linkage? S-H. Not right. Which acid has S-H linkage? Diethylenes acid and diethionic acid. Plus, how many S-OH bond in peroxy monosulfuric acid? How many S-OH linkage in peroxy monosulfuric acid? One. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको स्ट्रक्चर याद है. लेट अस सी द स्ट्रक्चर्स, ऑक्सी एसिड्स. प्लस 112 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112. एस डैश एच बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन 122. थोड़ा सोचो. प्लस अब एक सिंपल चीज बताता आपको, ठीक है, ध्यान दो. उधर लिखा है जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वहां पे क्या लिखा है बोलो, S2O42-, राइट. प्लस अगर वो एसिड बनेगा तो क्या बनेगा बोलो, एसिड का नाम क्या होगा, H2S2O4, राइट, बराबर ना. मतलब उन्होंने पूछा है S dash H bond is not present, तो किसमें प्रेजेंट है नहीं है हमें वो देखना है. प्लस अगर आप ठीक से देखोगे ऑप्शन डी क्या है ना, इसका नाम S2O7S2-2, राइट, क्योंकि मुझे एसिड बहुत अच्छे से मालूम है. इफ आई 2H+, तो क्लास क्या बनेगा बोलो, 2H+ ऐड करेंगे तो H2S2O7. अगर ऐड करेंगे हम लोग, एक आई एम रियली सॉरी, एक मिनट. इफ आई 2H+ क्लास क्या बनेगा, H2S2 आपको तो याद आ रहा है, H2S2O7 pyrosulfuric acid, right? Pyrosulfuric acid. Plus formula क्या उसका? H2S4. Plus oleum. Plus क्या उसमें S-H bond है या नहीं है? नहीं है. नहीं है ना, डायरेक्टली आपको ठीक है. तो जो मालूम है उसके ऊपर ध्यान दो ज्यादा, कैसे elimination method से. बाकी सब acid के स्ट्रक्चर जो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, पर हमें मालूम है कि pyrosulfuric acid में S-H bond नहीं होता और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, H2S2O7. और प्लस आपको उन्होंने फंसाने के लिए, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, डायरेक्ट एसिड नहीं उसका क्या दिया है, कॉन्जुगेट बेस दिया, राइट, कॉन्जुगेट बेस में नहीं, एसिड का H+ निकल के आपको दे दिया है. तो आई होप यू क्लियर है. तो बाकी में मुझे सच में बाकी स्ट्रक्चर में चेक नहीं करता, मुझे मालूम है H2O7 देख के मुझे क्या दिखता है, सीधा स्ट्रक्चर में अगर दिमाग में बना दूंगा तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर बोलो, H2S2O7. प्लस उसका नाम क्या है, उसका नाम पायरो है, राइट, पायरो बोला तो SOS बॉन्ड होगा, तो डायरेक्ट SS बॉन्ड का यहाँ पे कोई चांस नहीं है. I hope you understand. Yes, sir. 122. Plus 123. सबको मालूम है. Oleum is peroxy monosulfuric acid. Plus को और एक नाम होता है fuming sulfuric acid. क्या होता है इसको? Fuming sulfuric acid. Fuming sulfuric. Plus वैसे क्यों बोलते हैं? Because सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एनीबॉडी नो द प्रोसीजर. हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ओलियम, सबसे पहले ओलियम टेपर करते हैं H2S2O7 और उसमें पानी डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है बोलो, 2H2SO4. प्लस ये ओलियम है, तो प्लस दैट ओलियम से हम लोग प्रिपेयर करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई ओलियम इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको, fuming sulfuric acid. Plus anybody oil of petrol कभी नाम सुना है, oil of petrol, ये किसका नाम है, कभी नाम सुना है oil of petrol? No. तो ना सभी सुन लो, sulfuric acid is also called as oil of petrol. क्या sulfuric acid और क्या नाम होता है याद होगा, ये सब memory based question है. Sulfuric acid also called as what? मेरा आवाज आ रहा है आपको, oil of petrol. Yes, sir. Yes, sir. Oil of vitriol, याद रखो ये oil of vitriol, सबसे पहले बात है oil of vitriol, ठीक है. प्लस ये तो
which of the following are peroxy acids of sulfur plus कौन से बोलो peroxy acids of sulfur दो हमने देखे पहला प्लस का फॉर्मूला क्या बोलो peroxy minus sulfuric acid का peroxy दो acids लगते हैं बोलो फॉर्मूला बोलो H2 प्लस देखो इसको इसका फॉर्मूला क्रिएट करो H2SO4 बराबर और दूसरे वाले का H2S2 आगे 1 2 3 4 5 6 7 बस ऑप्शन मिला आपको ऑप्शन बी इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू यस सर बस स्ट्रक्चर आते हैं तो आप इजीली सब ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और नहीं आते तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्लास ये स्ट्रक्चर मैंने नोट्स भेजा उसमें आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे ऑक्सीएसे का नहीं है तो मुझे बोल दो मैं आपस नोट्स भेज देता हूँ ऑक्सीएसे वाले अगर नोट्स आपको नहीं मिले रहेंगे तो हमने ना ऑक्सीएसे के स्ट्रक्चर पहले कर लिए थे लिखा भी रहेगा आपके पास पहले से अगर पहले आपने लेक्चर अटेंड किया रहेगा तो हाँ क्लास कैरोज एसिड इज देखते हैं कैरोज एसिड कहाँ पे गया कैरोज एसिड ये कैरोज एसिड है ऑप्शन सी H2SO5 राइट क्लास वो वाटर स्ट्रक्चर वाले क्लास 130 एनीबॉडी 130 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड 130 नंबर ऑफ डेटी बॉन्ड्स इन सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्लास कैसे बोलो व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर आप देखोगे एस है राइट एस सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं राइट एटोमिक में कितना है 16 2.8.6 बराबर है बराबर है ना चलो सल्फर यहाँ पे ओ के साथ बॉन्ड ओएच यहाँ पे ओ के साथ बॉन्ड ओएच राइट अगर सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो 6 राइट और यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 ना ऑक्सीजन को अपना अपग्रेड कब करना है और सल्फर को भी करना है सल्फर का तो ऑलरेडी हो चुका है पर उसका ऑक्टेट कैन बी एक्सपांडेड उसका ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है पर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोलो वैलेंस में एनीबॉडी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन वैलेंस ऑफ सल्फर प्लस याद रखो सल्फर के वैलेंस में 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और फॉस्फोरस के वैलेंस में 10 हो सकते हैं दोनों का एग्जांपल बोलते हम लोग एक्सपांडेड ऑक्टेट क्या बोलते हैं इसको याद रखो सल्फर के वैलेंस में 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं होते हैं और फॉस्फोरस के 10 होते हैं तो प्लस सल्फर के वैलेंस में 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो प्लस यहाँ पे सल्फर के पास 12 सल्फर का लोन पेयर है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे तो प्लस जब बॉन्ड बनेगा बिटवीन ऑक्सीजन सल्फर ये बॉन्ड जब बनेगा तो सल्फर विल डोनर ऑक्सीजन विल बी एक्सेप्ट राइट तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा राइट नीचे भी सेम चीज सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो दैट इज बॉन्ड विल आल्सो कोऑर्डिनेट सो दिस इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है क्लास व्हाट इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्लास ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी आल्सो टेकन एज कारण ये स्ट्रक्चर ये भी अलाउड है राइट सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम लोग नो प्रॉब्लम क्लास व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्लास सिग्मा कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 राइट एवरीवन यस पाई बॉन्ड कितने 1 and 2 तो क्लास कितने सिग्मा और कितने पाई ऑप्शन ए 6 सिग्मा 2 पाई क्लास 132 सबको मालूम है 132 ऑप्शन ए बिकॉज़ उसके पास एस डैश एच बॉन्ड नहीं है राइट हाँ प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस क्या ऑर्डर है आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर down the group ionization potential goes on now what is ionization potential other name is for ionization potential other name for ionization enthalpy
आयनाइजेशन एंथैल्पी को पहले क्या बोला जाता था, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी नाम को यूज नहीं करता, तो ना इफ यू सी आयनाइजेशन पोटेंशियल तो क्लास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लास डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल गोज ऑन decreasing, right? Decreasing down the group. So class, what should be the answer of question number 133? Option D, right? So class, if electron affinity ki baat kare to wahan pe exception wala matlab electron affinity ka electron affinity usko aur ek naam kya bolo, electron gain enthalpy. तो उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, बहुत बार बोल चुके हम लोग, पर व्हाट इज रियल ऑर्डर, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यार वो दोनों प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का ट्रेंड अलग है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सीधा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन आता है, ठीक है? यस सर. प्लस नेगेटिव ऑर्डर ऑप्शन ए, वेरी गुड. क्यों? फोन कॉल आपको याद है ना, फोन कॉल, फ्लोरीन से ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, मतलब जो भी आता है बाद में इनके बाद में आता है, राइट? तो फ्लोरीन इसके बाद में आएगा ना, सॉरी ब्रोमीन इस सबके बाद में आएगा, तो फ्लोरीन सबसे नंबर वन पे आएगा, नंबर टू पे ऑक्सीजन आएगा, नंबर थ्री पे क्लोरीन आएगा इस केस में, और नंबर फोर में ब्रोमीन आएगा. ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है. 135 I2. क्या रीजन? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, राइट? जिस बॉन्ड का एंथैल्पी सबसे कम होता है बॉन्ड सबसे वीक होता है, राइट? और जिस बॉन्ड का एंथैल्पी ज्यादा होता है बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. तो क्लास अगर बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया है, एंथैल्पी या एनर्जीज, तो इसमें सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसका है? आयोडीन. आयोडीन का, राइट? पर इसलिए वो सबसे वीक बॉन्ड है. क्लास क्लियर है? यस सर. 151 प्लस आयोडीन आंसर होगा या फ्लोरीन आंसर होगा? सर इनवर्सली का क्यों है, एनर्जी जितना उतना स्ट्रांग बॉन्ड ना. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड टूटने के लगने वाला एनर्जी, तो जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा वो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वो बॉन्ड वीक होगा जिसके लिए कम लगेगा. हाँ वही तो बोला मैंने, वही है. देखो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब अगर आपके पास बॉन्ड है बिटवीन टू आइटम्स, राइट? हाँ. तो अगर वो बॉन्ड आपको तोड़ना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगता है इस पर ऐसा बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, बराबर है? हाँ. अगर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग है वीक है? बॉन्ड स्ट्रांग है. और अगर एनर्जी कम लग रहा है तो बॉन्ड वीक है. वीक है, राइट? तो यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दिए, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयरन का, इन सब में सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसका है? सर लेकिन इनवर्सली क्यों कम है तो कम. हाँ समझा सर. देखो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, समझो वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी वीक बॉन्ड को कम लगता है, और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जितना बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा उतना बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट, जितना बॉन्ड एंथैल्पी कम उतना बॉन्ड तोड़ना इजी, बराबर है? हाँ. क्लास 136 सबको मालूम है, फालतू क्वेश्चन एक्चुअली. क्लास क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, राइट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 क्लास आउटर कॉन्फिनेंट क्लोरीन का क्या है? 3s2 3p5 ऑप्शन ऑप्शन बी. क्लास
137 बोलो ऑप्शन सी वेरी गुड क्लास क्या एक्चुअली छोटा एटम होना चाहिए क्लास फ्लोरीन छोटा है या बहुत छोटा है बहुत ज्यादा छोटा है तो बहुत ज्यादा छोटा है क्या होता है रिपल्शन बढ़ता है और रिपल्शन के लिए क्या होता है बहुत सारा एनर्जी जो रिलीज होता है वेस्ट हो जाता है बता रहे हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में अगर आपको याद है तो यस सर हां तो 138 सेम क्वेश्चन जो आपका था 135 सर Cl2Br2I2D 130 का आंसर बोलो सर डी आएगा क्या डी 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 क्या बोल रहे हो बोलो डी 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 ना हाँ बराबर है क्वेश्चन 138 का आंसर आएगा डी बराबर ना 139 सर एफ फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है फ्लोरीन उससे कम रिएक्टिव फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन और बाद में आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ठीक है 139 प्लस 140 सोचो ऑप्शन ए ऑप्शन ए एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हो आप ऑप्शन बी फ्लोरीन वेरी स्ट्रांग विच एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हां तो अगर ऑक्टेन पूछा एग्जैक्टली उल्टा पूछा ना उसका देखो कैसे फंसा है आपको हां हां फ्लोरीन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बराबर ना यहां पे फंसा दिया आपको उन्होंने मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं यस सर फ्लोरीन वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट और उन्होंने पूछा किसका ऑर्डर का ऑक्सीलेटिंग पूछा है तो एग्जैक्टली ऑर्डर उल्टा चला जाएगा बराबर है I hope everyone understand this. Yes, sir. Good. Plus 141. Heat of hydration. Heat of hydration. मैंने वो बताया था आपको पहले. याद रखो. तो class fluorine oxidizing agent देखो. Class एक चलो मैं इसको explain करो थोड़ा सा आपको. 141 को class क्योंकि ये थोड़ा सा important है. Plus fluorine and chlorine. Fluorine जब electron gain करता क्या बनता है बोलो? F minus right? और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या बनता है Cl माइनस कौन से केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है फ्लोरीन के केस में क्लोरीन के केस में फ्लोरीन के केस फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन या क्लोरीन के केस में फ्लोरीन फ्लोरीन ना क्लास के हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज एक्सेप्शनली अनएक्सेप्ट मतलब हाई राइट क्लोरीन से ज्यादा है किस फ्लोरीन से ज्यादा है किसका क्लोरीन का तो ये बराबर है मैंने बोला है वो हां सर हां तो क्लास तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा राइट यस सर हां तो क्लास कौन जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोरीन कर रहा है या क्लोरीन कर रहा है फ्लोरीन क्लोरीन कर रहा है बच्चा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कौन कर रहा है फ्लोरीन या क्लोरीन आंसर डेफिनेटली क्लोरीन कर रहा है तो क्लास रिड्यूसिंग एजेंट याद ऐड करने के लिए इतना ही रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे क्लास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो F- बनेगा राइट एनायन जो अनायन बनता है ना तो अनायन गेट स्टेबिलाइज अनायन क्या होना चाहिए स्टेबिलाइज बाय हाइड्रेशन तो क्लास एफ माइनस को कौन कवर करेगा बोलो वाटर मॉलिक्यूल्स राइट कौन कवर करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स और वो क्या हो जाएगा हाइड्रेट हो जाएगा फिर हाथ में था वो क्या हो जाएगा हाइड्रेट हो जाएगा एक मिनट ए मला क्लास वाले नंतर फोन करतो मी क्लास वाले फोन करतो थोड्या वेळात क्लास तो क्लास फ्लोरीन को हाइड्रेट होगा अगला यहां पे क्लोरीन भी हाइड्रेट होगा राइट वाटर उसको सराउंड करेंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे क्लास अनायन मस्ट बी सराउंडेड अनायन मस्ट बी स्टेबलाइज बाय वाटर तो यहां पे भी क्या होगा हाइड्रेशन होगा क्लास व्हिच आयन गेट हाइड्रेटेड फास्टर स्मॉलर और बिगर आयन व्हिच आयन इज हाइड्रेटेड फास्टर स्मॉलर आयन और बिगर आयन smaller ion definitely always smaller ion gets hydrated faster the class fluorine hydration bahut zyada hoga fast as compared to chlorine to class jaldi stable kon banega fluorine ya chlorine fluorine kyunki wo jaldi kya ho raha hai hydrate ho raha hai aur jaldi kya kar raha hai aqueous solution mein aapko stabilize kar raha hai right to bhale chlorine electron jaldi accept kar raha hai par zyada jaldi stabilize kon ho raha hai fluoride ion
तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस क्या होता है, फ्लोरिन का ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी फ्लोरिन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा आपको, देखो बोलो, फ्लोरिन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट एज कंपेयर टू क्लोरिन इन एक्वियस सॉल्यूशन, बराबर है एवरीवन? हाँ या ना? दूसरा प्रोसेस क्या है, हाइड्रेट होना, खुद को हाइड्रेट करना राइट। उस केस में जल्दी कौन, उस केस में कौन जीतता है, फ्लोरीन जीतता है। तो प्लस आपको सिर्फ निगेटिव आयन बना के फायदा नहीं, उसको क्या करना है, बहुत जल्दी हाइड्रेट करना है। तो जल्दी हाइड्रेट कौन कर लेता है, फ्लोरीन कर देता है उस अनायन को। तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्वियस सॉल्यूशन में जब काम करेगा तो जो अनायन बनता है उसको सबसे पहले क्या होना है, स्टेबलाइज होना पड़ेगा। तो कौन सा आयन जल्दी स्टेबलाइज होता है, एफ माइनस या सीएल माइनस, एफ माइनस। तो जल्दी वो स्टेबलाइज होता है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज्यादा है। किसका, फ्लोरीन का, किससे, फ्लोरीन से। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर, सॉरी। ये समझा आपको? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फिर तो वो एट्रीब्यूट है ना, फिर तो हाइड्रेशन आता है, हाइड्रेशन ना। तो इसका आंसर क्या है, फैक्टर ऑप्शन सी। क्या बोला, हीट ऑफ हाइड्रेशन। आप वो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में, सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में, ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। पूरे क्वेश्चन बहुत क्लियर लिखा है, इन एक्वियस सॉल्यूशन सर। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन तो एट्रीब्यूट होता है ना, एक्सेप्ट पूछा है ना। हाँ, क्या पूछा, एक्सेप्ट नहीं, मैं क्वेश्चन 141 की बात कर रहा हूँ। हाँ, दिस इज एट्रीब्यूट टू मेनी फैक्टर एक्सेप्ट, और सर एक्सेप्ट पूछा है। हाँ सर, एक्सेप्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑप्शंस का इसका डी आएगा फिर, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट, मैं काम करता हूँ सर। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाँ सर, एक मिनट, एक मिनट, बाजू में रख दो एक मिनट के लिए, मैं खुद थोड़ा सा ये हो गया, 140 को रख दो, हम लोग करते आज ही करते हैं उसको साथ, एक बार ठीक से कर लेते बाद में। ओके, थोड़ा सा मैं फोन आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, प्लस 142 देखो, मैं करता हूँ आज ही करता हूँ, 141 को जाने से पहले करेंगे हम लोग उसको। हाँ क्लास बोलो, 142 का आंसर बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किसका, 142 का आपने क्या आंसर बोला, डी सर। डी, ठीक है। हाँ, 143 इजी है बहुत ज्यादा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, फ्लोरीन कैन शो ओनली वन स्टेट, व्हिच स्टेट फ्लोरीन शोस, माइनस माइनस, बराबर है। हाँ हाँ, 144 अभी आपको आता है, most easily reduced, option d, option d class, most easily reduced, jo sabse jaldi reduce kon ho sakta hai, to electron lega, fluorine na, fluorine, fluorine is most electron negative right, ha to reduce sabse jaldi electron kon accept kar sakta hai, fluorine nahi, ha sir, most easily reduced, to sabse easily reduce kon ho sakta hai, fluorine ya chlorine hona chahiye bachcho log, kya lagta hai aapko, fluorine ya chlorine hona chahiye, फ्लोरीन ना 2.7 उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाँ या ना, है सर। क्लोरीन 2.8.7 क्या उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं सर, ऑप्शन में F2 और Cl2 दिया है ना, तो क्या दोनों दिया है ना ऑप्शन, तो उसमें ज्यादा किसका है बोलो, ज्यादा किसका है, मोस्ट इजीली रिलीज कौन होगा, हाँ क्लोरीन सर। इसमें सिर्फ F है ना, ऑप्शन में F2 दिया है तो ना चलता है ना, F2 F थोड़ी होता है दुनिया में, एग्जिस्ट क्या होता है, F2 होता है। हाँ हाँ,
अगला सोडियम का स्टेट क्या होता है, बोलो सोडियम का स्टेट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 145, सोडियम का कौन सा स्टेट होता है सिर्फ, सोडियम ओनली प्लस वन, राइट प्लस वन, ऑप्शन ए में सोडियम में एक ही स्टेट लिखा था, ऑल अदर मेटल्स शो ओनली प्लस वन स्टेट, हां प्लस वन ओके, प्लस फ्लोरीन शो ओनली माइनस वन, माइनस वन, पोटेशियम शो ओनली प्लस प्लस वन, फ्लोरीन कैन शो माइनस वन प्लस वन, बोलते जाओ प्लस सेवन प्लस फाइव एंड प्लस सेवन, ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, हम देखा था इट कैन गो अप टू सिक्स सेवन, ये तो सब कॉमन क्वेश्चन है, वीकेस्ट ये सब हो गए, सब किसके क्वेश्चन है, ये आपके हाइड्रेट्स के क्वेश्चन राइट, द ब्लीच एक्शन, हाँ प्लस 153 क्वेश्चन अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देख रहे हो 153, आपको एक्सप्लेन करता हूँ 153, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीच मतलब क्या होता है, आपके पास कोई कलर्ड मैटर होगा राइट, उसको अगर कोई चीज क्या का बना देता है, कलरलेस राइट, किसी कलर्ड मैटर को अगर कलरलेस बना दिया तो क्या हो गया उसका, उस मैटर का क्या हो गया, कलर्ड मैटर अगर कलरलेस हो गया तो क्या हो गया बोलो, ब्लीच हो गया राइट, मेरा आवाज आ रहा है आपको, यस सर, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर बराबर है, लगा का ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया बोलो, व्हाइट हो गया, तो क्लास उसका क्या हो गया बोलो, ब्लीचिंग हो गया ना, वो कलर था वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया, तो उसका ब्लीचिंग हो गया राइट, तो ब्लू टू व्हाइट इज ब्लीचिंग, क्लास क्लोरीन कैसे काम करते हैं ब्लीचिंग का वो देखते हैं हम लोग, तो क्लास क्लोरीन व्हेन यू ऐड इन वाटर You get HClO. Plus क्या मिलता है आपको? HClO. Plus का नाम क्या है एसिड का? Plus एसिड का नाम क्या है बोलो? Hypochlorous acid. आपको कौन सा एसिड मिलता है? Hypochlorous acid. HClO. ध्यान दो बहुत carefully. और HCl. तो Cl2 plus H2O gives you HClO plus HCl. उसमें से हाइपोक्लोरस एसिड हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो हाइपोक्लोरस एसिड HClO डिकम्पोज इमीडिएटली एंड गिव्स यू व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन एंड HCl राइट, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है, ऐड करने की जरूरत भी नहीं आपको, क्या मिल जाता है यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, अगला ब्लीचिंग का काम कौन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लीचिंग का काम करता है, तो प्लस अगर आपके पास वो रेड लिटमस पेपर होगा राइट, उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन आ गया होगा, ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ब्लीच करके उसको क्या करा देगा, कलरलेस, अगला एक्चुअली ब्लीचिंग का काम कौन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो अगला वो कैसे मिलता है आपको, क्लोरीन जब हम पानी में डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, HClO प्लस HCl राइट, तो उसमें HClO क्या है बोलो, हाईली अनस्टेबल, तो डिकम्पोज एंड गिव्स यू O प्लस HCl, तो क्लास जो ओ होता है वो काम करता है किसका, ब्लीचिंग का, तो क्लास माय क्वेश्चन इज क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन ड्राई कंडीशन और इन मॉइस्ट कंडीशन, क्लोरीन ब्लीचिंग का काम कैसे है, ड्राई कंडीशन मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्ट, अगर वाटर नहीं होता तो क्लोरीन ब्लीचिंग का काम नहीं करता, अगर वाटर नहीं होता तो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाता वो, नेसेंट ऑक्सीजन, हां तो क्लास एक आपको दूसरा ब्लीचिंग एजेंट बताता हूं जो ड्राई होता है, उसका नाम होता है H2O2, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, प्लस ईयर एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, डिकम्पोज होकर आपका बोलो H2O प्लस O, क्लास के H2O2 में आपको वाटर एडिंग की जरूरत है या नहीं है, नहीं नहीं है राइट, H2O2 में वाटर एडिंग की जरूरत नहीं है, तो H2O2 एक्ट एज व्हाट, ड्राई ब्लीचिंग एजेंट, याद रखो H2O2 कैसे काम करता है, ड्राई ब्लीचिंग एजेंट, इज इट क्लियर, हां क्लास एक और ब्लीचिंग एजेंट कौन सा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखो क्लास सल्फर डाइऑक्साइड इज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, और वो भी कैसा है, मॉइस्चर में काम करता है, वो डायरेक्ट काम नहीं करता, ठीक है, मॉइस्ट होगा तो ही काम करता है SO2 एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो क्लास तीन ब्लीचिंग एजेंट आपके स्लैब्स में कौन से बोलो, बोलो पहला नाम क्लोरीन है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और तीसरा कौन सा है SO2, उसमें से ड्राई ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और मॉइस्ट में कौन कौन है, क्लोरीन एंड SO2,
प्लस क्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, याद रखो ये सब चीज है. H2O2 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड SO2 इज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट. कैसा होता है ये? माइल्ड होता है. कौन? H2O2. अगला सभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे 153 का आंसर. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्यू टू 153. हाइड्रोजनेशन. नहीं. Now, what is charge on chlorine here? On the reactant side, what is charge on chlorine here? Zero. अगला ब्लीचिंग का काम वाला कौन करने वाला है? कौन 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 सा क्लोरीन करने वाला है? HCl वाला, HCl वाला? HCl. ये वाला करने वाला है ना? उसमें क्लोरीन पे चार्ज कितना बोलो? Minus. Plus H is always one plus Cl plus minus 2 is equal to 0. Cl कितना आएगा आपका यहाँ पे? I think plus 1 आएगा. करके देखो. Oxidation. तो ग्लोब क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? क्लोरीन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो क्लोरीन का ब्लीचिंग इज ड्यू टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. प्लस मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रिएक्शन तो इतने सारे हैं, 350 प्लस रिएक्शन है आपके पास. प्लस 167 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद मैं आपको बता चुका हूँ. मैं थियरी सिखाना था पॉपुलर JEE के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे. 167. Anybody still remember 167? Question number 167. लिख के दिया था आपको मैंने. तो बस अगर आपके पास NaOH है और क्लोरीन का रिएक्ट करो तो अगला आपके पास NaOH है प्लस Cl2, राइट? ओके क्लास, NaOH कैसा है बोलो? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड. आपको प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O प्लस रिएक्शन आपको बाहर करना है. आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते बोलो? NaCl, NaClO3 प्लस H2O. प्लस बोलो एक बार, इफ NaCl रिएक्ट विद, सॉरी इफ क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बोलो? जल्दी जल्दी बोलो. व्हाट प्रोडक्ट यू गेट? NaCl. ओके. NaCl3. NaCl प्लस NaCl3. ठीक है? हां. प्लस अगर वही NaCl अगर कोल्ड होगा, सॉरी अगर वही NaOH अगर कोल्ड होगा, NaOH अगर कोल्ड है, कोल्ड एंड डाइल्यूट. Anybody remember that? Cold and dilute होगा तो वो क्या मिलता है? NaCl. हाँ. NaOCl. NaOCl. Very good. Very good. Very good. बहुत अच्छे से आपको याद रखा है. NaOCl plus plus. तो यहाँ पे दो product में difference होता है. किसमें? अगर आपका NaOH hot होगा तो बीच वाला product क्या आंसर होता है? NaClO3. अगर NaOH अगर कोल्ड होगा तो NaOCl, राइट? ये सोडियम क्लोराइड है और ये ऊपर सोडियम क्लोराइड है, बराबर? NaOCl एंड NaClO3 प्लस. ये रिएक्शन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है तो उसके लिए ध्यान देना. ओके एवरीवन. हाँ तो बोला अपना जो पहला कौन सा क्वेश्चन बाकी था बोलो, उसके ऊपर आते वापस. क्या था जो हमने बोला था उसको बाद में करते हैं. मैं मिल रहा है वो नीचे नीचे बोलो यार. ढूंढो सर वो दूसरा वाला. एक मिनट, सीधा क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे देख के. कौन सा क्वेश्चन है? 142. ठीक है. हाँ ना, 142 तो इजी था. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन क्लोरीन. 141 शायद. 141 के बारे में बात कर रहे थे. मैं बोल रहा था, मैं आपको बताता हूँ. 140 तो मैं बताता हूँ, बहुत इजी है. 142 तो मैं बोलता हूँ, हम 141 के बारे में बात कर रहे थे. 41.
चलो दोनों देखते चाहिए तो हाँ प्लस सबसे पहले देखते हैं ठीक है हाँ 141 ना हाँ ठीक है चलो देखते हैं चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ शायद वो बहुत जल्दबाजी में किया मैंने वो ज्यादा क्वेश्चन करने के ना लालच में मैं ना बहुत मिस्टेक हो रहा है ठीक है 141 आराम से जाते हैं प्लस देखो मैं आपको सब चीजें बताता हूँ एक के बाद एक प्लस हमारे फ्लोरीन है चलो एकदम आराम से करते हैं क्योंकि मैं बहुत फास्ट करता हूँ उसमें प्रॉब्लम हो जाता है हमारे पास फ्लोरीन है और हमारे पास क्लोरीन है प्लस सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बोलो अरे यार रुकना एक मिनट थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको हाँ आपके पास फ्लोरीन है आपके पास क्लोरीन है क्लास पहला स्टेप क्या होगा बोलो पहले आपको फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड टूटना पड़ेगा और क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटना पड़ेगा राइट एवरीवन क्लास कौन सा बॉन्ड टूटना ज्यादा इजी है फ्लोरीन फ्लोरीन या क्लोरीन क्लोरीन का क्लोरीन का क्लोरीन का क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी कम है क्लोरीन से क्लास तो यहां पे कौन जीतता है फ्लोरीन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी के केस में राइट फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी कम है आपको चाहिए तो वहां पे ऊपर नंबर्स है दिखाओ ये आपको मालूम है हमने थोड़े टाइम पहले किया था जल्दी बोलो फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन के बॉन्ड एंथैल्पी से कम है तो क्लास कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड या क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड ना क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या है लो है इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कंपैरेटिवली यहां पे हाई है तो क्लास इस केस में कौन जीता बॉन्ड तोड़ने के रेस में कौन जीता फ्लोरीन जीत गया राइट प्लस आई होप यू अंडरस्टैंड देखो मैं साइंटिफिक वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ ये क्लियर है आपको प्लस दूसरा चीज फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एफ माइनस बनाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सी एल माइनस बनाएगा प्लस इस केस में कौन जीतता है फ्लोरीन या क्लोरीन इस रेस में कौन जीतता है तो क्लास आज का आंसर होता है इस केस में कौन जीतता है क्लोरीन जीतता है राइट ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है बराबर एवरीवन तो यहाँ पे क्लोरीन जीतता बिकॉज क्लोरीन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली लो तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस करने के लिए बहुत जल्दी पार्ट लेगा राइट तो यहाँ पे लो है तो क्लास इस केस में कौन जीता बोलो जल्दी बोलो कौन जीता क्लोरीन जीता राइट क्लास इसका केस अभी आयन बन गया क्लास के बाद में क्या करना आयन को स्टेबिलाईज करना राइट बाय प्रोसेस कॉल्ड एज हाइड्रेशन सबको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी एल माइनस यहाँ पे भी एक्स नंबर या वाई कुछ फर्क नहीं पड़ता वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्लास यहाँ पे हाइड्रेशन किसका ज्यादा फास्ट होता है फ्लोरिन का या क्लोरिन का फ्लोरिन का इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है हाई है बराबर है मतलब क्या फ्लोरीन आयन बहुत जल्दी स्टेबलाइज होता है वाटर में और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कंपैरेटिवली क्या है बोलो कम है ये अभी पहले ही ऐसे करना चाहिए था थोड़ा सा जल्दीबाजी किया मैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लो है तो क्लास इस केस में कौन जीता बोलो फ्लोरीन या क्लोरीन हाइड्रेशन के केस में फ्लोरीन हाइड्रेशन फास्ट हो गया राइट एवरीवन तो क्लास अब ये तीनों फैक्टर काम करते एक साथ किसके लिए कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या नहीं होगा डिसाइड करने के लिए राइट कौन सा फैक्टर काम नहीं करता यहाँ पे हाइड्रेशन बनाया था इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए बराबर है प्लस यहाँ पे मैंने गलती क्यों किया मैंने एक्सेप्ट ये वर्ड पढ़ा ही नहीं राइट तो यहाँ पे मेरा गलती हो गया तो दिस इज एट्रीब्यूट टू व्हाट व्हिच फैक्टर कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा हाइड्रेशन बनाया जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी पे डिसाइड होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिसाइड करेगा और हीट ऑफ हाइड्रेशन डिसाइड करेगा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा पर बॉन्ड हाइड्रेशन पोटेंशियल डिसाइड नहीं करेगा कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा आर यू क्लियर तो क्लास मैं काम करता हूँ आपको मैं आगे का नोट भेजता हूँ चलो एक दो क्वेश्चन अगर टाइम होता तो हम लोग और कर लेते हैं हाँ क्लास मैं फटाफट एक कुछ बताता हूँ आपको क्विकली ये नोट डाउन कर लो आपको बहुत से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा नोबल गैसेस के बारे में तो हाइड्रोजन सॉरी हीलियम बोलते जाओ
neon, argon, krypton, xenon and radon, right? So down the group, noble gases, down the group, number one, melting point and boiling point increases. क्या बोला? Melting and boiling point increases. Density increases. याद रखो, ठीक है? Number three, liquefaction tendency. मतलब उनको liquid बनाना कितना easy होता है. Liquefaction tendency. मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes sir. Increases. ठीक है? Solubility in water. Increases. Plus, ठीक है? तो guys, पहला question आपके लिए, which noble gas has highest melting point? Quickly. Which noble gas has highest melting point? Radon. Okay, which noble gas has highest density? Radon. Which noble gas is most difficult to liquefy? Which noble gas? Like last, helium. Down the group, liquefaction tendency increases, बोला हम लोगों ने. तो liquefaction करना down the group आपको easy हो रहा है. Down the group, liquefaction tendency increases, बोला आप लोगों ने. तो हीलियम से ज्यादा इजीली नियॉन, नियॉन से इजीली आर्गन, आर्गन से इजीली क्रिप्टन, क्रिप्टन से इजीली रेडॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन. प्लस समझा? तो मोस्ट डिफिकल्ट नोबल गैस टू लिक्विफाई कौन सा है? हीलियम. मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी कौन सा होगा? रेडॉन. प्लस सब नोबल गैस में पानी में सबसे कम सोल्युबल कौन है? लीस्ट सोल्युबल इन वाटर. जल्दी कौन है? हीलियम. बिकॉज डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस. बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इज इट क्लियर? क्लास एक चीज और, ईज ऑफ पोलराइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो क्लास ये क्या होता है? पोलराइजेशन हमने 11 में बहुत डिटेल में सीखा था. नहीं याद हो तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. ईज ऑफ पोलराइजेशन ऑल्सो क्या होता है? इंक्रीजेस, या पोलराइजिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो क्लास लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए 175. आज का लास्ट क्वेश्चन हीलियम, ऑप्शन ए हीलियम. ठीक है, तो रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल देखेंगे क्वेश्चंस के. अभी रुकते हैं हम लोग. सर उस दिन मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डाउट भेजा. आपने मुझे भेजा वो? हां सर, रिप्लाई मुझे नहीं आया अभी क्लास से वो क्वेश्चन. आप उनको बोलोगे सर को इमीडिएटली भेज देने के लिए? उनको बोलो सर को भेज दो क्वेश्चन. मुझे अभी तक सच में क्वेश्चन नहीं मिला कोऑर्डिनेशन का. ओके सर. कौन सा क्वेश्चन था आपने बोला था वो? सर मतलब बहुत दिन हो गया जब आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था. ठीक है ना, एक बार वापस भेज दो प्लीज, मैं करता हूँ. हाँ ओके सर, चलो बाय.